शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के दौरान एक टाटा एस गाड़ी को अचानक आग लगने से उसमें अफरा तफरी मच गई। वाड़ी के काटोल बाईपास पर यह घटना हुई। गाड़ी का चालक इस दौरान बाल बाल बच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खड़गांव निवासी चालक अमोल महादेव थुल खड़गांव डीजल भरने वाड़ी के भारत पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। काटोल बाईपास पर आते टाटा एस क्रमांक MH31B9603 गाड़ी अचानक बंद पड़ी। दोबारा स्टार्ट करते ही शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। चालक को जैसे ही गाड़ी में धुआं दिखाई दिया, चालक अमोल तुरंत गाड़ी से बाहर निकला। चालक के कैबिन को आग ने चपेट में ले लिया। आग को देखने लोगों की भारी भीड़ पंप पर लग गई। पंप के कर्मचारियों और एकता टेम्पो यूनियन महासंघ के अनिल अनासने ने इधर उधर से पानी का जुगाड़ कर आग को काबू में पा लिया। नगर परिषद के दमकल को 3:37 पर कॉल कर सूचना दी गई। दमकल अधिकारी शेलार अपने कर्मचारी के साथ केवल 5 मिनट पर पहुंचे। तब तक कुछ हद तक आग को काबू में लाया गया था। डीजल की टंकी पर फिर से आग न लगी, इसलिए दमकल कर्मी ने पूरे गाड़ी में पानी का छिड़काव कर आग को बुझाया। पेट्रोल पंप पर घटना होती तो बड़ी अनहोनी होती। टाटा एस चालक डीजल भरने भारत पेट्रोल पंप जा रहा था। पंप से केवल 50 मीटर की दूरी पर ही यह घटना हुई। यदि डीजल भरते समय गाड़ी में आग लगती तो बड़ी अनहोनी होती। जलती हुई गाड़ी को देखने लोगों ने भारी भीड़ इकट्ठा की। कुछ देर के लिए यातायात भी ठप हुआ, लेकिन जल्दी सुचारू हो गया। दाबा बायपासला एक गाड़ी आली, आमच्या लक्षात आलं की गाडी जळून राहिली। ड्रायव्हर आला तर ड्रायव्हर म्हणते, ड्रायव्हरचं म्हणणं असं होतं कमी गाडी बंद पडली। बंद पडल्यानंतर पुन्हा तो चालू करायला गेला, तर चालू करायला गेला आणि ते गाडी अचानक फेट घेतलं। फेट घेतल्यानंतर ड्रायव्हर उतरला आणि आपल्या ज्या डिझेलच्या कॅना होत्या त्या काढून घेतल्या त्यांनी। काढल्याच्या नंतर त्या व्यक्तीने काढल्याच्या नंतर आपला कसा तसा करून राहिला। मग आम्ही लोकांनी सगळ्या गावकऱ्यांनी बाहेर पोहून पाणी आणून त्याला उचलायचा प्रयत्न केला आणि पंपून दोन गॅसचे हे आणले बंबे, त्यापैकी एक कामात होता एक खाली होता, त्यांनी मारले आणि पाळेनं आम्ही पूर्ण पब्लिकने आमच्या सगळ्या ट्रान्सफॉर्मरवाल्या गाड्यावाल्यांनी मिळून ती गाडी विकण्यात आली। हे नगर परिषदेची समस्या दहा कॉल केल्याच्या नंतर आली आहे, सगळं विश्वास झाल्यानंतर आलेली आहे। धन्यवाद। वाडी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।